गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्रॉम बनारस। तो आज हमारा है डे टू। फिलहाल के लिए हमने कुछ प्लान तो नहीं किया है कहाँ जाना नहीं जाना है। सबसे पहले हम लोग आ गए गंगा घाट, और गंगा घाट किनारे सुबह सुबह का जो सनराइज़ हमने देखा है उसको बयां नहीं किया जा सकता है बोल करके कि कितना अच्छा लगा है। मतलब आप लोग बीच साइड या फिर पहाड़ों में सनराइज़ तो देखते हैं, कभी कभी गंगा किनारे भी सनराइज़ देखने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे आपको एक्चुअली सुबह सुबह बहुत सारे बर्ड्स देखने के लिए मिलेगा, सब कोई आके खाना देता है। आप लोग भी अगर आए तो चावल या फिर कुछ भी आप खाने का सामान लेके आएंगे उन्हें दे सकते हैं, वो लोग आके खाते हैं। पूरा आपके आसपास पूरा भीड़ लग जाएंगे पक्षियों का। तो चलिए अपना दिन शुरू करते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। गर्मा गर्म चाय के साथ बनारस की चाय को चुस्की लेके पिया जाता है। हमारा चार गुना बनारस और कचौड़ी दोनों का कॉम्बिनेशन गजब का है भाई, मज़ा आता है। सुबह सुबह कचौड़ी खा लो यहाँ का, और कचौड़ी भी क्या आपका यहाँ आटे के कचौड़ी मिलते हैं जिसके अंदर दाल की फीलिंग होते हैं गजब। और सब्जी भी क्या, सब्जी के साथ सिर्फ आलू नहीं, आलू के साथ गोभी और आपका सोयाबीन सब मिक्स रहता है, दाल भी मिक्स रहता है, खाने में गजब मज़ा आता है। सो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हमने आज डिसाइड किया कि आज साइट सीइंग करते हैं। तो गॉडविल्ला चौक से आपको बहुत सारा ऑटोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको पूरा एक दिन का साइट सीइंग होता है। बहुत सारा यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट्स होता है जो हम धीरे धीरे करके आपको बोलेंगे कि एक ही दिन में एक ही पैकेज के अंदर आप क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो बनारस में एक ही दिन में साइट सीइंग हो जाएगा, इट्स इनफ, और सब जगह आप कवर कर लेंगे। ये जो आपका पूरा एक दिन का जो साइट सीइंग टूर होगा इसका प्राइस आपको अराउंड 1000 to 1200 पड़ेगा। तो अभी पहला पॉइंट हमारा है संकट मोचन मंदिर। यहाँ पे मोबाइल लेना और कैमरा लेना इज़ नॉट अलाउड, सो हम बाहर रख के जाएंगे और आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, बाहर से ही दिखा रहे हैं। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे है, ये है तुलसी मानस मंदिर। एक्चुअली इसका पूरा नाम है सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग आए, बहुत अच्छा प्लेस है और पूरा मार्बल का मंदिर पे काम किया है जो बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर जाके देखते हैं, मंदिर है तो अच्छा लगेगा ही और शांति मन को तो मिलता ही है। तो आइए अंदर चलते हैं। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत पीसफुल है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दो मिनट यहाँ पे शांत का टाइम बिताइए, बहुत अच्छा लगेगा, मन को बहुत शांति मिलेगा। चलो मंदिर। तो हमारा थर्ड पॉइंट था आपका दुर्गा टेंपल, वो भी बहुत अच्छा है, पूरा रेड कलर से बनाया हुआ टेंपल और बहुत अच्छा आकृति किया हुआ है दीवारों पे, आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है।
आप जरूर आए। आप लोकल साइट सीन आपको ऑब्वियसली मिलेगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना जरूर बनता है। एक्चुअली जहाँ पे अभी हम है ये पॉइंट में नहीं आता है, बट अभी नया मंदिर शुरू हुआ है तो अभी सबको इसे घुमा रहा है। और ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, 108 शिवलिंग के अंदर, और इसका नाम है मणि मंदिर। मणि मंदिर के नाम से फेमस है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। आके अंदर वीडियो बना सकते हैं। हमारे प्रिय PM मोदी जी ने इसे बनवाया है और बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो आप लोग जरूर आके यहाँ पे 108 महादेव शिवलिंग का दर्शन करें। अब हम आ चुके हैं पीली कोठी पे। इस जगह को वेवर्स विलेज भी बोला जाता है। दुनिया भर में जो बनारसी साड़ी इतना ज्यादा फेमस है वो यहाँ से ही बन के आता है। उसके बाद आता है म्यूजियम। तो म्यूजियम प्लस जो बुद्ध स्तूपा है, ये दोनों मिला के 25 रुपीज़ का टिकट है। तो बुद्ध म्यूजियम में भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस हमने लिया है जो हम दे दिए हैं ऑलरेडी, वीडियो में आपने देख लिया है। उसके बाद हम गए थे यहाँ पे बुद्ध स्तूपा में। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर गंगा और वरुणा नदी के संगम पे स्थित एक छोटा सा जगह है। यहाँ पे 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के बारे में अपना पहला उपदेश दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। ये बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र जगह में से एक है। आज भी सारनाथ में 1000 साल पुरानी इमारतों के अवशेष मौजूद हैं। इनमें से सबसे अहम है धामिक स्तूप, जिसे धर्मचक्र स्तूप भी बोला जाता है। 2300 साल पहले सम्राट अशोका ने इसे बनवाया था। माना जाता है कि इस स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेष मौजूद हैं। यहाँ पे एक्चुअली सारनाथ में बहुत कुछ है देखने लायक, जैसे मॉनेस्ट्री है, बुद्धा टेम्पल है। तो चलिए एक एक करके सब देखते हैं। दुनिया भर में बहुत जगह बुद्धा स्कल्पचर का अवशेष मिला है, इसीलिए बुद्धा के सम्मान में ये स्टैचू बनाया गया है। ये 80 फीट का स्टैचू बनाने के लिए 14 साल की कड़ी मेहनत और 150 अलग अलग तरह के पत्थरों का यूज किया गया है।
रामनगर किला वाराणसी से 14 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा हुआ है। इस किले को महाराजा बलवंत सिंह ने 1750 ईस्वी में राजपूताना स्टाइल में बनवाया था। यहाँ के वर्तमान राजा और मूल निवासी आनंद नारायण सिंह जी हैं, इन्हें महाराजा ऑफ बनारस भी बोला जाता है। तो बेसिकली हम लोग फोर्ट के अंदर है और ये एक मंदिर है जिसके पास में गंगा का घाट है और राजा लोग का बड़ा ही ठाट था गुरु कि इनका खुद का प्राइवेट एक गंगा घाट का ओपनिंग था वहाँ पर गेट है और यहाँ से डायरेक्ट वो लोग गंगा घाट में आ सकते हैं। मतलब उनको अलग से कहीं नहीं जाना होता, उनका घर ऐसा प्लेस में ही बनाया गया फोर्ट को कि बस गंगा एक्सेस एक सेकंड में हो जाए, गेट खोलो नीचे गंगा। गजब मजा गुरु, अच्छा लगा देख के मुझे भी। जहाँ तक है ये फोर्ट का जो आर्किटेक्चर का बात है, सीरियसली मज़ा आ जाएगा। हर एक चीज़ बारीकी से किया गया है, बहुत मस्त है। मतलब एक्सप्लोर करना है तो एक बार ज़रूर आए, 75 rupees चार्ज है अंदर आने का, बहुत तेज है। आपको उसमें बहुत सारे ऐसे वेपन्स मिलेंगे उस समय का, कुछ ड्रेस मिलेंगे, बहुत सारे विंटेज कार्स हैं। हाँ, तो वो सब आपको ज़रूर देखने मिलेगा, मज़ा आने वाला है। उनका वीडियो फोटो तो नहीं ले सकते बट आप वो मेमोरीज़ को अपने साथ में ज़रूर ले जा सकते हैं। रामनगर जो किला है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेसेस है जो हम लोग के लिए जाना निषेध है, तो आप नहीं जा सकते हैं, बट इसके पीछे भी बहुत सारे हिस्ट्री है और मिस्ट्री है जो हम लोग को तो पता नहीं, बट जितना हमने एक्सप्लोर किया बहुत मजा आया। आप लोग मतलब भी बहुत सुंदर कारीगरी है, मतलब इतना सुंदर, इतना निखुत आर्किटेक्चर है ना, मतलब आप नहीं आ रहे हैं तो आपको मतलब वी कांट डू जस्टिस टू इट्स ब्यूटी एक्चुअली। मतलब इतना बारीकी से काम किया हुआ है और इतना सुंदर लगे, स्पेशली ड्यूरिंग सनसेट। अभी तो सनसेट होने में बहुत देर है, हम शायद रहेंगे भी नहीं उतना देर तक, लेकिन सनसेट के टाइम इवनिंग टाइम में जरूर आए, मतलब इट विल बी मैग्निफिसेंट वी कैन टेल। तो अगर आप वाराणसी आ रहे हैं, रामनगर फोर्ट इज अ मस्ट 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 विजिट प्लेस। सरनाथ भी मस्ट विजिट है एंड रामनगर इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। हम लोग सारा यहाँ का साइट सीन जो भी है कंप्लीट करने के बाद फिर से आ गए घाट किनारे, और घाट किनारे का शांति तो हमेशा आपको मिलेगा ही। तो आने के बाद हम लोग अभी है फिलहाल मानसरोवर घाट के पास में। तो हमारा जो साइट सीन का आज का वीडियो था यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना सबके साथ, और कमेंट करके बोलना कि आप लोगों को हमारा बनारस का वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट करेंगे तो ही हम लोग को पता चलेगा, तो कमेंट जरूर करना तो हम लोग को भी पता चलेगा और मोटिवेट होंगे हम लोग भी कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। ये वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।